राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज पूरे देश के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मनाई जा रही है। गंगटोक के चिंतन भवन में आज बापू की 150वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने गंगटोक के एमजी मार्ग में स्थित गांधी जी की मूर्ति पर माला चढ़ाया। एमजी मार्ग में गांधी जी की जीवनी पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गंगा प्रसाद उपस्थित थे। अपने भाषण में राज्यपाल ने महात्मा गांधी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नजमा हेपतुल्ला ने 150वीं महात्मा गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि गांधी जी ने देश को स्वच्छता का सही मार्ग दिखाया था। ये बात उन्होंने इम्फाल के राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा। यह सेमिनार डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्कूल्स और राज्य सरकार की तरफ से आयोजित किया गया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया और सेमिनार के अंत में बच्चों को लघु फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा भी दिखाई गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उनके दादा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी महात्मा गांधी के साथ आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिया था। We should be able to understand and to see how relevant Mahatma Gandhi is to all of us, to the country, to the people of this country. He is respected all over the world. Today Mahatma Gandhi stands among the top leaders of the world, but we should be not only proud that he was Indian. राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर सोमवार को धर्मनगर में स्कूली बच्चों से लेकर बीएसएफ के जवानों तक को रक्तदान करते देखा गया। इस दिवस से मेल रखते हुए धर्मनगर विवेकानंद सर्दो शतवार्षिकी भवन में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां धर्मनगर नगर निगम के अध्यक्ष शक्ति भट्टाचार्य जी, उपाध्यक्ष विश्व बंधु सेन, 166 बीएसएफ बटालियन के दो कमांडेंट्स आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में 8 विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें हाथ में प्लेकार्ड लिए स्कूल के छात्र छात्रा शामिल हुए। बाद में अनुशासन का पालन करने वालों को ट्रॉफी भी प्रदान की गई। कुल 35 लोगों ने अपना रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। The Voluntary Blood Donors Association of our subdivision changed. और चेंज होने के बाद थोड़ा कुछ डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ था लास्ट डे में, कल पिछले दिन में आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ, मोर देन 400 पार्टिसिपेंट ज्वाइन देयर। फिर भी एक न्यू डायमेंशन लाने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसमें कोई किसी को इंडिविजुअल किसी को क्रेडिट नहीं है, ये सारे आदमी मिलकर इकट्ठा हुआ, ऐसे जो सोशल सर्विस हम लोगों को कुछ करना है। पब्लिक डोनेशन का, ब्लड डोनेशन का जो आदमी का जो फीलिंग्स, ये बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक का भी, पब्लिक का दिल में ये पैदा हुआ जो नो सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उच्च राज्य स्तर की इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 29 सितंबर से एसडीएफ भवन में हुआ और आज इस प्रतियोगिता का समापन हो रहा है। 5 दिवसीय चलने वाले इस प्रतियोगिता को जिगडेल डेंगजोंगपा का नाम दिया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन सिक्किम चेस एसोसिएशन की तरफ से किया गया। इस प्रतियोगिता में 271 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं, जिनको 5 श्रेणियों में रखा गया है। महिलाओं और पुरुषों की इन श्रेणियों से 10 शीर्ष विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिगडेल डेंगजोंगपा राज्य के महान चेस खिलाड़ी थे, जिनके नाम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गर्व से बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग के 20 से एक चैंपियन है, जो अभी नॉर्थ ईस्ट का यंगेस्ट चैंपियन भी है। इससे पहले इमोचा जो थे वो आसाम के, वो 24 साल की उम्र में वो नॉर्थ ईस्ट चैंपियन बने थे, लेकिन इस साल हमारे स्टेट से राहुल गुरुंग, जिसका उम्र सिर्फ 16 साल है, वो अभी नॉर्थ ईस्ट यंगेस्ट नॉर्थ ईस्ट चैंपियन है। उसके अलावा हमारे बीच में
तीसरे स्थान के लिए भी हमारे प्लेयर ही है, वो थेंडुप तामन, वो भी 20-22 साल का लड़का है और हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है यहाँ से।